सब्सक्राइब कीजिए मैडर्स इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडर्स इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बाउंड टू के यूज के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने एक पोल किया था यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर, कम्युनिटी टैब में आपसे पूछा था कि आपको कौन सा लेसन अब ज्यादा पसंद आ रहा है, आप कौन से लेसन के लिए वोट करना चाहेंगे। वहां पर आपके पास कुछ ऑप्शन थे लाइक इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेशल सेंटेंसेस या स्पेशल यूजेस, और वहां पर कुछ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपसे कहा था। आपने सबसे ज्यादा वोटिंग की है इंग्लिश ग्रामर पर। तो मैं आज के लिए टॉपिक जो लेकर आया हूं वो है बाउंड टू, और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इसे किस तरह से यूज किया जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैडर्स इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, बाउंड टू का मतलब होता है निश्चित होना, किसी भी चीज का तय होना कि ये चीज इस समय पर होने वाली है, या फिर मैं कहूं कि इस चीज का होना तय है। टाइम हमें यहां पर बताने की कोई जरूरत नहीं कि ये इसी समय पर पूरी होगी, हम किसी भी तरह से इसे कह सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसका होना तय है या इसका होना निश्चित है, इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हैं बाउंड टू के यूज से। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाने हैं, क्या होगा स्ट्रक्चर, आइए करते हैं डिस्कस। सो फ्रेंड्स, बाउंड टू का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है, आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में। तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के ठीक बाद हमें लगानी है बी फॉर्म्स, जो कि हैं इज, एम, आर। ये भी लगेगा सब्जेक्ट को देखकर, किस तरह का सब्जेक्ट है उस तरह से हम इसे लगाएंगे। उसके ठीक बाद में आएगा बाउंड टू, बाउंड टू के ठीक बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर आपके सेंटेंस में कोई अदर वर्ड है तो आप उसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद लगा दीजिए। तब आइए डिस्कस करते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस। तो यहां पर सबसे पहला सेंटेंस है, उसका आना तय है, उसका आना तय है। तब इसका इंग्लिश बनेगा ही इज बाउंड टू कम, ही इज बाउंड टू कम। स्ट्रक्चर को देखिएगा दिमाग में, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बाउंड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ही इज बाउंड टू कम। दूसरा सेंटेंस है, भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का शरीर नश्वर है। अगर मैं इसे कहूं तो इस तरह से कहूंगा कि भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का मरना निश्चित है, या फिर भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का मरना तय है। तब इसका इंग्लिश बनेगा अकॉर्डिंग टू भगवत गीता द मैन इज बाउंड टू डाई, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता द मैन इज बाउंड टू डाई। मतलब भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का मरण या फिर मरना निश्चित है। तीसरा सेंटेंस है, तुम्हारा मेरे साथ आना तय है, तुम्हारा मेरे साथ आना तय है। तब इसका इंग्लिश बनेगा यू आर बाउंड टू कम विद मी, यू आर बाउंड टू कम विद मी। लेकिन अगर इसे थोड़ा चेंज करें, हम इसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बनाए तो किस तरह से बनेगा? आपकी हमेशा कमेंट रहती है, सर आप ये सेंटेंसेस नहीं बताते, इसका नेगेटिव नहीं बताते, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इसका डब्ल्यू एच कैसे बनेगा, ये आप नहीं बताते हैं। मैं बात कर रहा हूं डबल इंट्रोगेटिव की। तो यहां पर किस तरह से इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है देखिए, समझते हैं। इसी सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, तुम्हारा मेरे साथ आना तय नहीं है, तुम्हारा मेरे साथ आना तय नहीं है। तब इसका इंग्लिश बनेगा यू आर नॉट बाउंड टू कम विद मी, यू आर नॉट बाउंड टू कम विद मी। इससे हमें यह पता चलता है कि जब भी हमें बाउंड टू, लाइकली टू, यूज टू, ऐसे सेंटेंसेस का अगर नेगेटिव बनाना होता है तो हम हमेशा इज, एम, आर मतलब बी फॉर्म्स के साथ में नॉट लगाते हैं, न कि बाउंड नॉट, यूज नॉट, इस तरह से हम नहीं कहते हैं। हम हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही नॉट लगाते हैं। तो यू आर नॉट बाउंड टू कम विद मी, अगर इसका बनाना है इंट्रोगेटिव तो जो इज, एम, आर है, बी फॉर्म्स है, उन्हें आगे ले आइए। तब इसका इंग्लिश बनेगा आर यू नॉट या फिर आर यू बाउंड टू कम विद मी, क्या तुम्हारा मेरे साथ आना तय है, आर यू बाउंड टू कम विद मी, क्या तुम्हारा मेरे साथ आना तय नहीं है, क्या तुम्हारा मेरे साथ आना तय नहीं है, आर यू नॉट बाउंड टू कम विद मी।
आर यू नॉट बाउंड टू कम विद मी। इस तरह से आपको बनाने हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इस पर्टिकुलर सेंटेंस के। अगला सेंटेंस है, वह इतना पिया हुआ है कि उसका गिरना निश्चित है। वह इतना पिया हुआ है कि उसका गिरना निश्चित है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, तो इसका इंग्लिश बनेगा, ही इज सो ड्रंक ही इज बाउंड टू फॉल। ही इज सो ड्रंक ही इज बाउंड टू फॉल, मतलब वो इतना पिया हुआ है उसका गिरना निश्चित है। इसे आप दैट के यूज से भी बना सकते हैं, वो इतना पिया हुआ है कि उसका गिरना निश्चित है। ही इज सो ड्रंक दैट ही इज बाउंड टू फॉल। अगला सेंटेंस जो कि आपने शायद ही कभी ट्रांसलेट किया होगा या शायद ही कभी सुना होगा, सुना तो होगा लेकिन ट्रांसलेट नहीं किया होगा। सेंटेंस बड़ा मजेदार है, सेंटेंस है, उसका मुझ पर कुत्ता छोड़ना तय है। उसका मुझ पर कुत्ता छोड़ना तय है। जरूर मैंने उसके कुत्ते को सताया होगा या कुछ ऐसा किया होगा, इसलिए ये बात निकल कर आती है। तो उसका इंग्लिश बनेगा, ही इज बाउंड टू सेट हिज डॉग ऑन मी। ही इज बाउंड टू सेट हिज डॉग ऑन मी, उसका मुझ पर कुत्ता छोड़ना तय है। आज का आखिरी सेंटेंस हम देखने जा रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बड़ा ही मजेदार सेंटेंस है, बहुत ही फनी है। सेंटेंस है, शादी के बाद उसका गरीब होना या फिर निर्धन होना निश्चित है। शादी के बाद उसका निर्धन होना निश्चित है। घर घर की कहानी है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, आफ्टर मैरिज ही इज बाउंड टू बिकम पुअर। आफ्टर मैरिज ही इज बाउंड टू बिकम पुअर, शादी के बाद उसका निर्धन होना निश्चित है। सो फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने का मौका मिले। और अब आप मुझे हेलो पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हेलो पर भी मैं अपना कंटेंट डेली पोस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर वोकैबुलरी सेंटेंसेस और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो आप मुझे हेलो पर फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।